स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, रावण की जब मृत्यु हुई तो रावण को कहते हैं कि उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। भगवान शिवजी महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त था, किंतु उसको भगवान भोलेनाथ ने माफी नहीं दी। तो वो घोर तपस्या करता रहा, कहते हैं कि उसको माफी नहीं दी। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने उसको माफी नहीं दी तो माता पार्वती ने एक दिन भगवान भोलेनाथ जी से पूछा कि आप इसे क्यों क्षमा नहीं करते, क्यों इसको अपने चरणों में स्थान नहीं देते। तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि इसका जो पाप है वो क्षमा के लायक नहीं है। माता पार्वती ने पूछा कि आप तो करुणाकारी हो, आप माफ कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि पहला पाप वो है जो आदमी कभी जाने अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के या किसी और तरीके से किया जा सकता है। फिर आता है दूसरा कुकर्म, जो अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हत्या, अपहरण और जनन्य अपराध, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा पाप जो है महापाप, महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं होती। इस पर पार्वती जी ने शिवजी को टोका और अचंभित होकर पूछा कि हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे हो। तो शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, परंतु उसने साधु बनकर, साधु का भेष धारण करके सीता जी का हरण किया, जिसका प्रभाव सदियों तक संसार पर, उसके साधुत्व पर, सनातन पर रहेगा सदियों तक, और उसकी कोई माफी नहीं मिलती। और फिर रावण को माफी नहीं दी भगवान भोलेनाथ ने। जो भी कर्म इतना बुरा हो कि सारी दुनिया को आगे कई सालों तक उस चीज का प्रभाव पड़े, तो वो महापाप कहलाता है, और उस महापाप की माफी स्वयं शिव जी भोलेनाथ भी नहीं देते। यदि आपको हमारी ये बातें, ये कहानियां, ये वाक्यात अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।